उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज भाई बहन के परस्पर स्नेह का पर्व रक्षाबंधन बहुत ही खास अंदाज में मनाया। नंदी द्वारा साउथ मलाका रामबाग स्थित प्रयाग संगीत समिति परिसर में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया, जहां शहर दक्षिणी विधानसभा एवं विभिन्न क्षेत्रों से आई सैकड़ों बहनों ने नंदी के हाथों में राखी बांधकर अपना स्नेहिल आशीर्वाद दिया। गुरुवार को रक्षाबंधन पर बहनों के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए प्रयाग संगीत समिति परिसर को सजाया गया था, जहां नंदी ने एक एक बहन से मुलाकात की। बहनों ने तिलक लगाकर नंदी के कलाई में राखी बांधी और मिठाई खिलाई। नंदी ने भी बहनों को उपहार दिया, वहीं हर संभव मदद का वादा किया। इस अवसर पर नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में कानून का राज है, जहां गुंडों माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। आज घर से निकलने के बाद बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। गुंडों बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है, ताकि बहनें बिना किसी डर के घर के बाहर निकल सकें। महिलाओं का कहना था कि नंदी बेहद सरल और जमीन से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सभी वर्ग के लोग की कद्र है। कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जो नंदी को कई सालों से राखी बांधती आ रही हैं। उधर नंदी ने भी सभी महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनको किसी तरह की समस्या नहीं होगी, वो एक भाई की तरह फर्ज निभाएंगे। तकरीबन 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में शहर के अलग अलग मोहल्लों से आई लगभग 900 बहनों ने राखी बांधी। तत्पश्चात मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज पुलिस लाइन में अनूठे अंदाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में जाकर महिला पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन के त्योहार पर इन महिला सिपाहियों को घर और भाइयों की कमी न महसूस हो, इसीलिए मंत्री नंदी खुद पुलिस लाइन्स गए और राखी बंधवाई। महिला सिपाहियों ने इस मौके पर नंदी की आरती कर उन्हें टीका और अक्षत लगाया और इसके बाद राखी बांधकर आशीर्वाद लिया। मंत्री ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उपहार दिया। मंत्री को राखी बांधकर महिला सिपाहियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी।